हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था परसेंटेज यील्ड के बारे में। आई होप आपको उसका फॉर्मूला याद होगा। परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? कितना बना डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था इनटू 100। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। परसेंटेज प्योरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सब्सटेंस, या जो आपका प्योर सब्सटेंस है उसका मास डिवाइड बाय मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस इनटू 100। ठीक है, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, और इसके ऊपर बेस्ड हमने दो न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, और मैंने आज भी आपके सामने उसी के ऊपर न्यूमेरिकल लिखे हैं। हम दो तीन न्यूमेरिकल और करेंगे इसके ऊपर, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, थोड़े से और क्लियर हो जाए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपके सामने बोल देता हूँ एक बार। 20 ग्राम सैंपल ऑफ 90% प्योर CaCO3 इज हीटेड, कैलकुलेट द मास ऑफ CaO4। देखिए, आपको क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें केवल आपको लैंग्वेज को पकड़ना है, क्योंकि इनमें केवल लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। लैंग्वेज में वो मैं क्या करेगा, वो आपको घुमा देगा लैंग्वेज में। तो आपको लैंग्वेज समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको पोज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं आपको इसको सोल्व करवाता हूँ। देखिए, मैं आपको सोल्व करवाता हूँ, आई होप आपने पोज करके ट्राई किया होगा। अब क्या कह रहा है ये आपको कि 20 ग्राम में आपने एक सैंपल लिया है और उसकी प्योरिटी कितनी है, 90%। ये है आपका CaCO3। इसको जब आप हीट करते हो तो क्या बनता है आपका, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है, ये भी आपका सॉलिड। ये है आपका 20 ग्राम है, लेकिन उसमें से 90% ही प्योर है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, पूरा 20 ग्राम नहीं, कितना उसका जो 90% प्योर है वही। तो आप यहाँ निकालो कि 20 का 90% कितना होता है, वो होगा आपका 18 ग्राम। तो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कितना करेगा, 18 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मास ऑफ CaO4, इसका कितना मास बना है, ठीक है। तो सिंपल हो गया। अब तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, या हम कह सकते हैं इसका जब 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से कितना बनता है CaO, कितना होता है इसका मोलर मास, 56, ठीक है। 1 ग्राम से कितना बनेगा, 56 डिवाइड बाई 100, और है कितना अपने पास, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम से कितना बनेगा आपका CaO, 56 डिवाइड बाई 100 इंटू 18। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आएगा आपके पास अराउंड 10.0, मैं आपको आंसर बोल देता हूँ, 10.08 के आसपास। तो ये है आपका CaO का मास, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, केवल आप इसमें आपको क्या है, प्योरिटी पहले ही दे दी थी CaCO3 की, ठीक है, और इससे आपको CaO पूछ लिया, ठीक है ना। तो हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग सा देगा आपको, आपको उस लैंग्वेज को पकड़ना है, ठीक है ना। तो इसे नोट करो, फिर हम एक और नई वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। देखो, लैंग्वेज क्या है, आपको हर बार क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगी, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को, उसको आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कैलकुलेट द मास ऑफ 80% प्योर MgCO3, ठीक है, सैंपल विच ऑन हीटिंग gives 8 ग्राम MgO। आपको MgCO3 दिया हुआ है, 80% प्योर है MgCO3। इसको जब आप हीट करोगे तो ये किसमें टर्न कन्वर्ट होगा आपका, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये इसमें आपका टूटेगा, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दी हुई है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, 80% प्योर MgCO3, मैग्नीशियम सल्फेट कितना है आपका, 80% प्योर है। अब इसका मास तो हमें नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन हमें पता है कि 80% प्योर है। विच ऑन हीटिंग गिव्स 8 ग्राम MgO, ये है आपका 8 ग्राम, कितना है आपका 8 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही बनता है, इसका 1 मोल का जो मास होता है वो कितना होता है मैग्नीशियम का, 24, 24 प्लस 16 कितना हुआ 40 ग्राम, ठीक है। तो इसके 40 ग्राम से ये कितना बनता है MgCO3, इसका मोलर मास कितना होता है 24 प्लस 12 36 प्लस 48 84 ग्राम, इसके 1 मोल का मास। तो इसका अगर 1 मोल 40 ग्राम बनता है तो इसका कितना कंज्यूम होता है 84 ग्राम, इसका अगर 1 ग्राम बनता है तो इसका कितना कंज्यूम होगा 84 डिवाइड बाई 40, और इसका है कितना बना कितना 8 ग्राम, तो इसका कंज्यूम कितना हुआ होगा 84 डिवाइड बाई 40 इंटू 8, ये इसको आप कैंसिल करो 5 टाइम्स जाएगा, ये बचेगा आपके पास 16.8 ग्राम। तो मतलब आपके पास 16.8 ग्राम MgCO3 काम में आया इस रिएक्शन में, ये है आपका प्योर। आपको इम्प्योर का मास निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सपोज करो उसका मास था कितना एक्स ग्राम, तो x का 80% कितना है आपका 16.8 ग्राम, x लिख सकते हो वेट ऑफ सैंपल, ये आपका x ग्राम, ठीक है। x का 80% मीन्स x इंटू 80 डिवाइड बाई 100, वो कितना है आपके पास 16.8 ग्राम, क्योंकि इतना ही तो पार्टिसिपेट करने में काम आया है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16.8 × 100 / 80, 20 से जाएगा 4 टाइम्स, 20 से जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। ये जाएगा आपके पास 4.2, यहाँ से आएगा आपके पास आंसर 21.0 मीन्स 21 ग्राम। तो आपके पास जो मास था सैंपल का MgCO3 का, उसका कितना टोटल मास था 21 ग्राम, वो उसका 80% कंज्यूम हुआ, प्योर कौन सा था 80%, वो था आपका 16.8 ग्राम, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया वो कितना था 16.8 ग्राम, ठीक है। उस 16.8 ग्राम से बनता है आपका 8 ग्राम MgO, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, ठीक है, आया समझ में। देखिए लैंग्वेज में आपको घुमाएगा, लैंग्वेज में आपको घूमना नहीं है, ठीक है ना, लैंग्वेज को ही पकड़ना है अपने को, ठीक है। कभी वो कंप्लीट सैंपल का मास पूछ लेगा, कभी प्योर सब्सटेंस का मास पूछ लेगा, हो सकता है कभी कभी इम्प्योरिटीज का भी मास पूछ ले, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज का मास भी निकाल सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस का मास माइनस प्योर सब्सटेंस का मास, तो हमारे पास इम्प्योरिटीज का मास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को घूमना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3, ठीक है, सैंपल विच ऑन हीटिंग gives 2.2 ग्राम CO2 with 50% yield। तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, आपको परसेंटेज यील्ड का भी यूज करवा लिया। हमने परसेंटेज यील्ड के ऊपर क्वेश्चन किए थे, आई होप आपको पता होंगे, उसको भी थोड़ा आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। और ये रिएक्शन आई होप आप लोगों को अब याद हो चुकी होगी कि CaCO3 को जब हीट करते हैं तो वो CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अब देखिए CaCO3 को अब जब हम हीट करते हैं, ये हमने CaCO3 का क्या किया, हीट किया, CaO ये आपका सॉलिड प्लस CO2, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया, टूट गया। कैलकुलेट द मास ऑफ 75% प्योर CaCO3, आपको CaCO3 का मास पता करना है, ठीक है, जो सैंपल है।
लेकिन उसमें प्योर कितना है, केवल और 75% प्योर है, मतलब ये प्योर है, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। विच ऑन हीटिंग गिव्स 2.2 ग्राम CO2, इसका मास दिया अपने को 2.2 ग्राम, ठीक है। और यील्ड कितना है 50%, ये मास से इसके मोल निकालो, 2.2 डिवाइड बाई 44, कितना आएगा आपके पास, पॉइंट हटा 0, 1/20 मोल, ठीक है। अब इसके 1 मोल से CO2 कितना बनता है आपका, 1 मोल, इसके 1/20 मोल बने, तो ये कितना कंज्यूम हुआ होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं बिल्कुल 1/20 मोल। लेकिन ये कब, कब, जब यील्ड कितना हो 100%, आपका यील्ड कितना है 50%, जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फाइंड आउट करते हैं और यील्ड होता है 50%, तो हम क्या करते हैं, यील्ड को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास मोल आएंगे वो कितना आएगा, 1/50%, 50% मीन्स 50/100, 50 नीचे और 100 ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी ये 2 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 1/10, मतलब आपके पास 0.1 मोल किसके बने, CaCO3 के। इसका मास अगर हम निकालें तो कितना आएगा, 10 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का वेट कितना होता है 100 ग्राम, तो 0.1 मोल का वेट 10 ग्राम, ठीक है। ये तो हो गई चीज़, तो ये जो 10 ग्राम है इसने तो पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, ठीक है। आपको क्या बताना है कि मास ऑफ 75% प्योर CaCO3, मतलब जो आपका इम्प्योर CaCO3 है कंप्लीट, जिसमें इम्प्योरिटीज भी शामिल है, उसका वेट निकालना है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। सपोज करो उसका वेट क्या है आपका, एक्स, हम कह सकते हैं मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस कितना है आपका, एक्स। तो एक्स का 75%, जो आपका एक्स का 75% होगा, उसी ने तो पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, ठीक है। और वो कितना है आपके पास, 10 ग्राम, वो अभी हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 × 100 / 75, ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स, 40/3, 40/3 मीन्स 13.33 ग्राम, ओके, 40/3, 13.33 ग्राम। तो इस तरीके से आप उस सैंपल का मास निकाल सकते हो, इम्प्योर सब्सटेंस का टोटल जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो आएगा 13.3 ग्राम, उसमें से प्योर कितना है 10 ग्राम, 75%, और उसी ने पार्टिसिपेट किया रिएक्शन में, और उसी से हमारी कैलकुलेशन हुई, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, आप लोगों को कम समझ में आए, लेकिन जैसे जैसे आप एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्या हो थोड़े से और शार्प हो, ठीक है। देखिए चैप्टर जो है ना, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पे बेसिस है, ठीक है ना, तो आपको न्यूमेरिकली करने हैं इसके ऊपर इस चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर NaCl, 90% प्योर Na2CO3 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl। ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मतलब आपके परसेंट प्योरिटी के जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्राई करेंगे, आपको NaCl दिया हुआ है और Na2CO3 बनाना है, उससे NaCl है उससे आपको बनाना है क्या, Na2CO3,
ये है आपका Na2CO3, Na2SO4 है, ठीक है ना, Na2SO4 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब NaCl से Na2CO3 बनाना है, इसकी रिएक्शन आप किसी से भी करवा सकते हो, H2SO4 K2SO4 किसी से भी करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा गया नहीं गया है, ठीक है। ये हमने रिएक्शन करवाई, साथ में बनेगा आपके पास KCl, ठीक है, इसको बैलेंस करना है, ट्वाइस ऑफ NaCl इधर आ गया, ट्वाइस ऑफ NaCl आ गया, ट्वाइस Na, ट्वाइस Na, ट्वाइस Cl, ट्वाइस Cl, K2, K2, SO4, SO4, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। अब क्या पूछा गया इसमें, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 90% प्योर Na2CO3 कैन बी ऑब्टेन, मतलब ये कितना बनेगा, इसका मास आपको पूछा गया, ठीक है, मतलब इम्प्योर Na2SO4 का मास पूछा, याद रखना किसका, इम्प्योर का, जिसमें प्योरिटी कितनी है 90%, ठीक है, इसका मास आपको पूछा है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 250 ग्राम ऑफ 95% प्योर NaCl, ये कितना है आपका 250 ग्राम, लेकिन ये भी प्योर नहीं है, 100% प्योर नहीं है, कितना है 95% ही है प्योर, तो वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो पहले वो मास निकाल लो कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कितना करेगा 250 का 95% मीन्स 250 × 95/100, ठीक है, 25 से जाएगा 10 टाइम्स, 24 से जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 950/4, तो इसका जो वेट आया जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो कितना करेगा 950/4 ग्राम, 250 ग्राम नहीं करेगा, ठीक है, कितना करेगा 950/4 ग्राम। अभी हम रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से बिल्कुल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि NaCl, 2 मोल है NaCl के, जब 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो आपके पास 1 मोल Na2SO4 बनता है, 2 मोल NaCl का अगर हम वेट निकालें तो कितना होता है, Cl का कितना है 35.5, सोडियम का 23, ठीक है, ये कितना आएगा आपके पास 58.5 का डबल, क्यों, क्योंकि इसके 2 मोल हैं, तो कितना होगा आपके पास ये 117, मतलब अगर हम इसका 117 ग्राम 2 मोल यूज में लेते हैं तो Na2SO4 कितना बनता है, इसका निकाल लो 23 × 246 प्लस SO4 32 + 48 = 96, 142 ग्राम, तो ये आपका बनता है 142 ग्राम। इसका अगर हम 1 ग्राम लेते हैं तो ये कितना बनेगा 142/117 ग्राम, और हमारे पास है कितना 950/4 ग्राम, तो ये कितना बनेगा आपके पास 142/117 × 950/4 ग्राम, इतना बनना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास मास आ गया इसका, लेकिन ये भी प्योर नहीं है, कितना 100% प्योर नहीं, ये कितना प्योर है 90% प्योर है, तो ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, जो भी इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस हमने मान लिया मास क्या है इम्प्योर का, जो अभी आपका इम्प्योर सब्सटेंस है उसका मास हमने मान लिया एक्स ग्राम, तो एक्स का 90% जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, तो एक्स का 90% मीन्स एक्स इंटू 90/100, तो अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करना है आपको, और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 142/117 × 950/4 ×, ये आएगा आपका 0.9, तो नीचे में आपके चला जाएगा 1/0.9, ठीक है, आप इसको सोल्व करो और आपके पास जो आंसर आएगा वो अराउंड आएगा आपके पास, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आएगा आपके पास अराउंड 320 ग्राम, कितना आएगा 320 ग्राम, ठीक है, लगभग इतना आंसर आएगा, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, जो आंसर आएगा वो करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस किसी का भी मास फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें केवल और केवल प्योर सब्सटेंस ही पार्टिसिपेट करेगा, इम्प्योर नहीं करेगा, ठीक है, जो इतना प्योर करेगा उतना हमने निकाला कि इसका 250 ग्राम दिया था लेकिन प्योर नहीं था ये, अगर यहाँ पे कुछ ये जो टर्म अगर ये काट देता 250 ग्राम केवल NaCl लिखता तो हम यहाँ केवल 250 से कैलकुलेशन करते, लेकिन उसने क्या किया 250 ग्राम ले लिया और 95% प्योर लिया,
तो हमें निकालना है कि 250 का 95 कितना होता है, वो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि इतना ग्राम पार्टिसिपेट किया है एक मोल से, इसके जो दो मोल है इससे बनता है इसका एक मोल, वन मोल से इतना बनता, या इतने ग्राम से आपका इतना बनता, ये आपका मास है, इतना बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका सब्सटेंस है वो भी आपका 90% प्योर है, 100% नहीं है, 100% होता तो ये इसके इक्वल होता, ये वैल्यू उसके इक्वल होती, लेकिन वो भी कितना है 90% प्योर है, मतलब जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है एक्स हमने मान लिया उसका 90% एक्स का 90% के इक्वल होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास 320 ग्राम, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, थोड़े ट्रिकी रहते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगे ये, ठीक है ना, एक ही दिन में हो सकता है समझ में नहीं आए, ठीक है। जैसे आज के लेक्चर आप देख रहे हो तो अगर दो दिन पहले वाला लेक्चर आप देखोगे तो आपको वो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, उसके न्यूमेरिकल हो रहे होंगे आपसे, ठीक है ना, तो वो हो जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ही ऐसा है। यहाँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पीछे वाले कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होते रहते हैं, ठीक है ना, सेम डे भले नहीं हो लेकिन दो दिन बाद वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर ये भी आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, वो है आपका मिक्सचर का, जो आपको मिक्सचर दिया हुआ रहता है उसका एनालिसिस, जब आपको दो या दो से अधिक सोल्ट दे दिया जाए, एक मिक्सचर दे दिया जाए, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपना, और वो है आपका मिक्सचर एनालिसिस। क्या है आपका मिक्सचर एनालिसिस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एक मिक्सचर होगा, क्या होगा, एक मिक्सचर होगा जिसका आपको क्या करना है, एनालिसिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्सचर एनालिसिस, मिक्सचर एनालिसिस। देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें क्या होगा, आपके पास एक मिक्सचर होगा जिसका आपको एनालिसिस करना है, मतलब आपको अलग अलग जो भी इसमें कंपोनेंट है उनके मास या मोल से रिलेटेड कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है, उनके मास या मोल फाइंड आउट करने होंगे मिक्सचर में, ठीक है। तो इस टर्म को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपके दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो होता है आपका एल्केली मेटल, क्या होता है आपका एल्केली मेटल, एल्केली मेटल इसको हम बोलते हैं कि इसमें जो भी आपके मेटल्स आती है वो आती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, ये जो आपकी मेटल्स होती है इनको हम बोलते हैं एल्केली मेटल्स, ठीक है। और एल्केली मेटल्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि एल्केली मेटल्स इसके, इनके लिए हम कह सकते हैं कि ऑल एल्केली मेटल्स आर थर्मली स्टेबल। क्या होती है, जितनी भी एल्केली मेटल्स होती है वो थर्मली स्टेबल होती है एंड डू नॉट डीकम्पोज एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ के आपकी जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी ये क्या होती है, थर्मली स्टेबल होती है। थर्मली स्टेबल मीन्स जब इनको आप हीट करते हो, इनके कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो ब्रेक नहीं होते, ठीक है। जैसे अभी इतनी देर हम देख रहे थे MgCO3 को हम ब्रेक कर रहे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हम ब्रेक कर रहे थे CaO+CO2 में, वो इनमें नहीं होता है, ठीक है, केवल और केवल किस में होता है, लिथियम में। जैसे आपका Li2CO3 है, लिथियम का कार्बोनेट है, जब आप इसको हीट करोगे तो ये आपके Li2O+CO2 गैस इसमें आपके कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप इसके अलावा कोई से भी मेटल ले लीजिए, MCO3 मैं इसको बोलता हूँ, M2CO3, ठीक है, तो ये आपकी ब्रेक नहीं होती है, डीकम्पोज नहीं होगी, ये हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ M क्या है, M आपके कोई से भी मेटल हो सकती है, या तो सोडियम हो सकता है, या फिर पोटेशियम हो सकता है, रूबीडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। तो एल्केली मेटल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि केवल और केवल जो लिथियम का कार्बोनेट है वही डीकम्पोज होता है,
थर्मली, ठीक है, जब हीट करते हैं तो। बाकी जितने भी मेटल कार्बोनेट है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये चीज़ आपके क्वेश्चंस में काम आएगी न्यूमेरिकल में, ठीक है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाएगा मिक्सचर में, तब ये जो स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही लास्ट में बचेगा, जितना स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही लास्ट में बचेगा। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हमारे काम आएगी। ये तो ही एल्केली मेटल्स के लिए। आपकी एक मेटल्स होती है एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्या होती है? एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सी मेटल्स आती है आपकी? इसमें आती है आपकी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये आपकी मेटल्स आती है किसमें? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। और जितने भी आपकी ये जो इसमें आपकी जो तीन मेटल्स हैं ये होती है आपकी थर्मल, इनको आप क्या कर सकते हो? डीकम्पोज कर सकते हो। जैसे बेरिलियम कार्बोनेट है BCO3, इसको जब आप हीट करोगे तो ये आपका BeO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। MgCO3, इसको जब आप हीट करोगे तो ये आपका MgO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। CaCO3, इसको भी जब आप ब्रेक करोगे या हीट करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा? CaO प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तीनों कार्बोनेट, ये दोनों आपके कार्बोनेट नहीं होते हैं, ये दोनों कार्बोनेट नहीं होते हैं, ये कार्बोनेट आपके डीकम्पोज होते हैं, मतलब ये क्या आपके थर्मली स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं। थर्मली स्टेबल मतलब जैसे उनको हम हीट दिया तो ब्रेक हो जाते हैं। एक तो थर्मली स्टेबल हो तो वो ब्रेक नहीं होते, ठीक है, जैसे ये थर्मली स्टेबल है, ये वाले जितने भी हैं तो इनको कितनी हीट दे दो ब्रेक नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। लेकिन Li2CO3 को हीट दे दो आप तो वो ब्रेक हो जाएगा, किस में? Li2O प्लस CO2 में। वैसे ही एल्केलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, उसके कार्बोनेट क्या होते हैं? हीट करने पर डीकम्पोज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको काम में आएगी किस में? मिक्सचर के, जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, ये इसको नोट करो। फिर हम क्या करते हैं, एक और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें लिखते हैं, ठीक है। देखिए अभी इसके बाद में मैं आपको एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन हमने किया था एक सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है ना, एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें था आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ये हमेशा सोडियम कार्बोनेट और किसमें? CO2, ये भी आपकी गैस, ये आपका सॉलिड, प्लस H2O गैस, इनमें ब्रेक होता है, ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये रिएक्शन भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए रिएक्शन में ये क्या है, आपके CO2 और H2 गैसेस है। जैसे आप रिएक्शन कराओगे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो ये CO2 और H2O तो क्या है? गैसेस है। ये तो क्या है? एटमोसफियर में चली जाएगी, एटमोसफियर में उड़ जाएगी, बचेगा क्या आपके पास? केवल Na2CO3। ये चीज़ याद रखना, जब आप डीकम्पोज करोगे, हीट करोगे किसी मेटल को, तो जो गैसेस है वो तो आपके एटमोसफियर में उड़ जाएगी। H2O भी गैस है और CO2 भी गैस है, ठीक है, दोनों क्या है आपस आपके एटमोसफियर में उड़ जाएगी, बचेगा क्या? Na2CO3। जैसे मैंने आपको, जैसे एक मैंने बीकर लिया, ठीक है, ये एक आपका बीकर है, इसका मैंने वेट कर लिया, सपोज करो 10 ग्राम इसका वेट है, ठीक है, इसमें मैंने भरा NaHCO3, क्या भरा आपका? NaHCO3, इसको मैंने हीट किया, जैसे ही हीट करूँगा मैं, ये किस में कन्वर्ट होगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2 में। आपकी जो CO2 है प्लस H2 है, ये तो क्या होंगे जी? उड़ जाएंगी, CO2 प्लस H2 गैसेज है, उड़ जाएंगी। इस जो बीकर में बचेगा क्या? Na2CO3, क्या बचेगा? केवल Na2CO3। इसकी वजह से क्या होगा? क्या स्टार्टिंग में जो वेट था हमारा 10 ग्राम, क्या बाद में भी वही रहेगा? नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 और H2O गैस क्या हो गई है? उड़ गई है, मतलब उनका वेट क्या हो गया? कम हो गया। सपोज करो ये आ गया आपका 6 ग्राम आ गया इसका वेट,
कितना आ गया 6 ग्राम रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद। इसका मतलब सी ओ टू और एच टू का वेट कितना था 4 ग्राम, जो क्या हुआ उड़ गया, इवोपरेट हो गया, बचा कितना 6 ग्राम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ये जो बच जाता है ना Na2CO3, इसको हम बोलते हैं रेजिड्यू। क्या बोलते हैं? रेजिड्यू, रेजिड्यू, RESIDUE, रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या होता है? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो आपके पास रिएक्शन में बच जाता है, हम कह सकते हैं एनी सॉलिड सब्सटेंस कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो आपके पास बच जाता है, एनी सॉलिड सब्सटेंस विच इज रेस्ट आफ्टर डीकम्पोजिशन, एनी सॉलिड सब्सटेंस विच इज रेस्ट आफ्टर डीकम्पोजिशन, कोई भी जो आपका सॉलिड सब्सटेंस से जो रिएक्शन होने के बाद बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू। तो इसमें रेजिड्यू क्या होगा आपका? Na2CO3, ये आपका क्या है? रेजिड्यू है। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज थी। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि आपको CaCO3 दिया हुआ है, इसको मैंने हीट किया तो ये ब्रेक होगा आपका CaO प्लस CO2 गैस में। ठीक है, इस रिएक्शन में रेजिड्यू क्या है? CO2 गैस है, वो तो उड़ जाएगी, रेजिड्यू क्या बचेगा आपका? केवल CaO। लेकिन अगर मैं आपको एक मिक्सचर दे देता हूँ CaCO3 प्लस Na2CO3, ये मैंने आपको मिक्सचर दे दिया, क्या दे दिया? ये मिक्सचर दे, अब इसको मैंने हीट किया तो CaCO3 तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने आपको बताया Na2CO3 क्या होगा? ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा तो आपका वैसे का वैसा ही आपका रिएक्शन में बचा रहेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा? ये कंप्लीट, ये होगा आपका रेजिड्यू। ठीक है, क्या CaO तो है ही सी, लेकिन Na2CO3 भी है रेजिड्यू में। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं होता है, तो जितना पहले था उतना हमें बाद में भी बचेगा। ऐसा नहीं कि ये रिएक्टेंट है तो इसको हम रेजिड्यू में काउंट नहीं करेंगे, नहीं, जो जो आपके रिएक्शन में बचेगा वो सब लास्ट में क्या होगा? रेजिड्यू। इससे ये बचा है और Na2CO3 बचा है जैसे का जैसा, तो ये भी काउंट होगा रेजिड्यू में। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपकी क्या हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन लिखते हैं हम, 10 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3 एंड Na2CO3 इज हीटेड। ठीक है, एंड CO2 लिबरेटेड ऑक्यूपाई इज 2.436 लीटर। ये आपको CO2 मिलती है। ठीक है, एट 180 एंड 300 केल्विन। देखिए STP कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, 180 और 273 होता तो STP होती, लेकिन 180 और 300 केल्विन है तो STP कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर ये आपको फाइंड आउट करना है बाय मास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको एक बार और पढ़ देता हूँ। ठीक है,
10 ग्राम सैंपल ऑफ MgCO3 एंड Na2CO3। आपको एक सैंपल दिया हुआ है, मतलब मिक्सचर है, जिसमें आपके MgCO3 है और Na2CO3, मतलब एक मिक्सचर है, ठीक है। उसको हमने हीट किया है, ये आपका MgCO3 है और ये आपका Na2CO3 है, ये मिक्सचर है, इसको आपने हीट किया है। एंड CO2 क्या होती है, लिबरेट होती है। अब देखो, जब हम इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, MgO प्लस CO2, ठीक है। इसको जब मैं हीट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जैसे का जैसा रहेगा ये Na2CO3, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। आपको जो CO2 मिली उसका आपको वॉल्यूम दिया है 2.436, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है आपको, एक तो वॉल्यूम दिया है कितना 2.436, प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 atm, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, बिल्कुल सही बात है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं, देखो उससे पहले आपको इसके मोल निकालने पड़ेंगे। अब देखो STP होता 1 atm और 273 केल्विन, तो हम इसको डिवाइड कर लेते 22.4 से, तो वहाँ से हम इसको मोल निकाल लेते, लेकिन टेम्परेचर क्या है आपका 300, तो हम वो कंडीशन नहीं लगा सकते। तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा इसका मोल, PV=nRT से, यहाँ से n निकालेंगे, PV/RTP कितना है 1 × वॉल्यूम 2.436 डिवाइड बाई R, R की वैल्यू हम कितनी रखते हैं 0.0821 × T, ये मैंने आपको बताया था 300 × 0.0821, ये कितना होता है आपका 24.36 होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत जगह बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1 मोल, तो CO2 का कितना मोल है 0.1 मोल, ठीक है। अभी और क्या चाहिए, क्या निकालना है आपको, 10 ग्राम सैंपल दिया हुआ है, इन दोनों का मास कितना दिया हुआ आपको 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका मोल निकल ही गया है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है आपको, सीधी सी बात है, इसमें और क्या कर सकते हो, 0.0 आपका 0.1 मोल तो आ ही गया आपका, ठीक है। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, वो वाली इक्वेशन लगा लेंगे, मोल मोल जो आपका रिलेशन था वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये जो Na2CO3 है ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, क्योंकि जितना था उतना ही बन गया। हम ये जो रिलेशन लगाएंगे 0.1 वाला किसके ऊपर लगाएंगे, MgCO3 के ऊपर, ठीक है। देखिए इसके एक मोल से, MgCO3 के 1 मोल से CO2 कितना बनता है 1 मोल, तो अगर CO2 का 0.1 मोल बना है तो MgCO3 कितना काम में आया होगा 0.1 मोल। 0.1 मोल का अगर हम मास निकालेंगे MgCO3 का, तो इसका मोलर मास कितना है 24, 12 का इसका 12, कार्बन का 12 और 48 कितना आ जाएगा, ये 84 कितना आया 84। तो यहाँ से हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं, मास कितना आएगा 0.1 × इसका मोलर मास, यहाँ से इसका मास आएगा 8.4 ग्राम। अब आपको सैंपल का कितना ग्राम दिया था 10 ग्राम, MgCO3 कितना है 8.4 ग्राम, तो Na2CO3 वो कितना बचेगा 10 − 8.4 ग्राम, ये हुआ कितना आपका 1.6 ग्राम। तो हमने मास निकाल लिया किसका, MgCO3 का और Na2CO3 का। अब आपको क्या पूछा, परसेंटेज कंपोजिशन पूछा, निकाल लो परसेंट किसका निकालना आपको, Na2CO3 का, उसका मास कितना है 1.6 डिवाइड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है आपका 10 × 100, ये आपके पास आ जाएगा 16%। अगर Na2CO3 16% है तो आपका MgCO3 कितना बचेगा 84%, कोई दिक्कत नहीं है, 100 − 16 करो, या फिर 8.4 डिवाइड बाय 10 × 100, उससे भी आंसर आ गया आपका 84% ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो भी आपके मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं उनको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। टफ नहीं होते हैं, ईजी होते हैं, थोड़ा सा समझने वाला होता है, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाओगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी के ऊपर, मिक्सचर का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन ये कहता है कि डिटरमाइन द परसेंट कंपोजिशन, डिटरमाइन द परसेंट कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इन विच मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा दिया हुआ है, वेट ऑफ द मिक्सचर। सबसे पहले वेट ऑफ मिक्सचर, जो आपने मिक्सचर लिया है उसका वेट वो है आपका 2 ग्राम। ठीक है, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट फ्रॉम हीटिंग, जो आपने हीट किया उससे जो लॉस होता है वो है आपका 0.11 ग्राम। किसकी वजह से होता है, गैसेस की वजह से। क्यों, क्योंकि गैसेस क्या हो जाती, उड़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका क्वेश्चन है, ट्राई करो पोज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, आपको मिक्सचर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिक्सचर एनहाइड्रस, मतलब उसमें वाटर नहीं, सोडियम कार्बोनेट। एक तो आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, और साथ में क्या आपके पास, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसको अब हीट किया, ठीक है, देखिए अब Na2CO3 को अगर हम हीट करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि Na2CO3 है वो जैसा था वैसा ही रहेगा, वो तो आपके कुछ भी डिकम्पोज होने वाला नहीं है। ठीक है, NaHCO3 ये डिकम्पोज होगा आपका, बिल्कुल होगा। किस किस में होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इसको हमने बैलेंस कर दिया यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है आपको, मिक्सचर का वेट दिया हुआ है टोटल 2 ग्राम है। सपोज करो NaHCO3 का एक्स ग्राम है, कितना ग्राम है इसका, हमने ले लिया एक्स ग्राम है। ठीक है, क्योंकि हमें ये निकालना पड़ेगा, ये तो जितना था उतना ही रहेगा, हमें ये निकालना है एक्स ग्राम। ठीक है, देखते हैं अभी। और क्या दिया हुआ है, लॉस इन वेट फ्रॉम हीटिंग। अच्छा, तो अब जो लॉस होता है किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बताया था कि जो लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, गैसेस के इवोपरेट होने से। अब यहाँ पे जो गैसेस है वो कौन कौन है, H2 और CO2 है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, केवल और केवल CO2 को ही क्या ले लेते हैं, गैस, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो H2 है वो भी किस में काउंट होगा, आपके गैस में। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, आपको इसका मास दिया है, रिएक्शन को हम देख के क्या कह सकते हैं, इसके 2 मोल से आपके H2O और CO2 का एक एक मोल बनता है, इसके 2 मोल का वेट निकाल लो आप, कितना होगा NaHCO3, इसका अगर हम मोलर मास निकालें कितना होगा, सोडियम का 23 प्लस हाइड्रोजन 1 24 प्लस कार्बन 12 36 प्लस 48 ऑक्सीजन कितना हुआ 84 है, मतलब 1 का है, आपके कितने 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, इसका मतलब आपका 168 ग्राम जब NaHCO3 कंज्यूम होता है तो आपके पास जो H2 और CO2 बनता है वो कितना बनता है, H2 आपका 18 CO2 कितना है 44 ग्राम, ये आएगा आपका टोटल मास। ठीक है, जो बनेगा H2 प्लस CO2, CO2 को भी काउंट करना है। ठीक है, अब इसके 1 ग्राम से आपके ये कितना बनता, ये कितना होता है टोटल,
18 प्लस 44 ये होगा आपका 62, तो 62 डिवाइड बाई 168 ग्राम, ठीक है। आपके पास है कितना x ग्राम, x ग्राम से कितना बनेगा 62 डिवाइड बाई 168 इंटू x। अब ये है आपका टोटल, ठीक है, जो लॉस हुआ है H2O प्लस CO2 का, और कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 0.11, तो इसको हम किसके इक्वल करेंगे 0.11 के। यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3 ग्राम x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू मतलब Na2CO3 इसका वेट कितना है आपका 0.3 ग्राम, तो Na2CO3 का कितना बचेगा 1.7 ग्राम, तो टोटल कितना है 2 ग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, परसेंट कंपोजिशन बिल्कुल निकाल लेते हैं, परसेंटेज Na2CO3 कैसे निकालेंगे, उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास 2 × 100 कितना आएगा 15%, परसेंटेज Na2CO3 1.7 डिवाइड बाय 2 × 100 85%, या तो आप 100 माइनस करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिक्सचर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़े हो सकता है थोड़े ट्रिकी लग रहे हो, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली हो जाते हैं, ठीक है ना। एक दो बार आपको क्या है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ट मैं एक न्यूमेरिकल आपके लिए और लिख देता हूँ, क्या थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको 92 ग्राम आपको क्या दिया हुआ, मिक्सचर दिया हुआ, ठीक है, जिसमें CaCO3 और MgCO3 है, उसको हम हीट करते हैं, ये आपके पास CaCO3 है, इसको जब हम हीट करते हैं तो आपके पास बनेगा CaO प्लस CO2, करेक्ट, MgCO3 इसको जब हम हीट करेंगे तो आपके पास बनेगा MgO प्लस CO2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डीकम्पोजिशन ऑफ द कार्बन, इट वाज फाउंड दैट द वेट ऑफ रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज 48 ग्राम, रेजिड्यू में कौन कौन से होंगे, CaO प्लस MgO, क्योंकि CO2 गैस है वो तो उड़ जाएगी, बचेगा क्या CaO प्लस MgO, ठीक है, इन दोनों का जो वेट है वो कितना दिया हुआ आपको 48 ग्राम, तो आपको निकालना है मास ऑफ MgCO3 इन ग्राम इन द मिक्सचर, इसका मास निकालना है, इसका हमने मान लिया x ग्राम, ठीक है, इसका कितना हो गया, अगर टोटल 92 है तो ये हो गया 92 माइनस x ग्राम, ठीक है। अब जो हम स्टोइकोमेट्री लगाते हैं उससे कर लेंगे, एक मोल से एक मोल बनता है MgCO3, इसके एक मोल का वेट आप निकालोगे तो कितना होगा Mg का 24 प्लस 12 36 प्लस 48 ये कितना आएगा आपके पास 84 ग्राम, 84 से ये कितना बनता है आपका Mg 24 प्लस 16 ये कितना होगा आपका 40, तो x से कितना बनेगा, 1 से कितना बनेगा 40 डिवाइड बाय 80 इंटू x ग्राम, ठीक है। यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, 100 से कितना बनता है CaO 56 ग्राम, 92 माइनस x से कितना बनेगा 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 92 माइनस x ग्राम, ये आपका रेजिड्यू रहेगा, तो ये प्लस ये कितना दिया हुआ आपको 48 ग्राम, दोनों को ऐड कर दो सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास 56 डिवाइड बाय 100 इंटू 92 माइनस x प्लस 40 x डिवाइड बाय 80, ओके 84 है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना 84 कितना है 84 ये इक्वल टू आपको दिया हुआ 48 ग्राम के। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और x की वैल्यू आपके पास आएगी अराउंड, इसमें मैं आपको बता देता हूँ 42.4 कितना 42.4 ग्राम, और यही आपको पूछा है, क्या पूछा है आपको, मास पूछा है किसका MgCO3 का कितना है 42.4 ग्राम। आपको अगर कैल्शियम कार्बोनेट का पूछता उसका भी वेट आप निकाल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना होगा 92 माइनस 42.4 कैलकुलेट कर लो आप कितना आएगा 50 49.6 ग्राम, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का वेट हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से हम मिक्सचर एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर भी थोड़ा सा हो सकता है लेंदी हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स हैं, होता है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और कुछ नए प्रॉपर्टीज और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।